हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज आप लोगों के लिए हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं किर्कहॉफ का नियम। तो सबसे पहले हम साइंटिस्ट के बारे में किस तरह से किसके नियम का स्टडी कर करके किर्कहॉफ ने दो नियम दिए, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो जाने सबसे पहले किर्कहॉफ का नियम होता क्या चीज़ है। तो टॉपिक का नाम दे दें, किर्कहॉफ का नियम। किर्कहॉफ का नियम, किर्कहॉफ लॉ। तो हम यहां जानेंगे किर्कहॉफ का नियम। तो सबसे पहले ये चीज को जाने कि उसने स्टडी किस तरह से किया था, इसको एक पैराग्राफ में आप नोट कर सकते हैं। द साइंटिस्ट किर्कहॉफ स्टडी ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, द साइंटिस्ट किर्कहॉफ स्टडी ओम्स लॉ एंड ऑब्जर्व्ड ओम्स लॉ इज नॉट applicable Ohm's law is not applicable for every type electrical circuit So, two different laws were given by scientist Kirchhoff. Scientist Kirchhoff, which is also known as Kirchhoff's law. गौर करेंगे यहां पर किर्कहॉफ्स लॉ होता क्या चीज। तो सबसे पहले इस बात को आप जानें कि किर्कहॉफ साइंटिस्ट का नाम है और किर्कहॉफ साइंटिस्ट ने ओम्स लॉ को ऑब्जर्व किया। और ओम्स लॉ को आप भली भांति जान रहे हैं, ओम्स लॉ जो है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करेंट, भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो ये तो हमारा ओम्स लॉ था। ओम्स लॉ हमेशा साधारण परिपथ में लागू होता है। ओम्स लॉ हमेशा लागू जो करते हैं बहुत ही साधारण परिपथ के लिए लागू करते हैं, जबकि किर्कहॉफ लॉ जो है हम कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड सर्किट के लिए हम लागू करते हैं, एकदम जटिल परिपथ, उलझा हुआ परिपथ के लिए हम किर्कहॉफ का नियम लागू करते हैं। काम तो हमारा ओम का नियम भी करता था, लेकिन ओम का नियम हमारा साधारण परिपथ के लिए था, लेकिन जटिल से जटिल परिपथ के लिए हम हमेशा किर्कहॉफ का नियम लागू करते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो किर्कहॉफ ने
स्टडी किया किसके लॉ को, ओम्स लॉ को, एंड ऑब्जर्व और उसने पाया ओम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर एवरी टाइप इलेक्ट्रिकल सर्किट। ओम्स लॉ हमारे लिए जो है प्रत्येक प्रकार के विद्युतीय परिपथ के लिए ये उपयुक्त नहीं था, इसलिए सो टू डिफरेंट लॉज वेयर गिवन बाय साइंटिस्ट किरचॉफ, और साइंटिस्ट किरचॉफ ने दो भिन्न भिन्न नियम दिए और उसी नियम को हम बोलते हैं किरचॉफ का नियम। तो यहाँ पर इस बात को आप इंग्लिश में नोट कर लें, इसके बाद हम इसी को हटा करके आपको हम हिंदी में इसका डिफिनेशन को नोट कराते हैं। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद आपको हम हिंदी डिफिनेशन दे रहे हैं उसको नोट कीजिएगा। इस जगह पर आप हिंदी में इसका डिफिनेशन को नोट कर लें हिंदी मीडियम के स्टूडेंट। किरचॉफ का नियम, उसी नियम के बारे में हम बात कर रहे थे कि वैज्ञानिक किरचॉफ ने ओम के नियम का अध्ययन किया। ध्यान से इसको नोट कीजिए, वैज्ञानिक किरचॉफ ने ओम के नियम का अध्ययन किया और पाया कि ओम के नियम सभी प्रकार के विद्युतीय परिपथ के लिए उपयुक्त नहीं है। इसलिए वैज्ञानिक किरचॉफ ने दो भिन्न भिन्न नियम दिए जिन्हें किरचॉफ का नियम कहा जाता है। तो सेम डिफिनेशन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम लिखा दिए इस जगह पर, तो आप इसको हिंदी में डिफिनेशन को नोट कर लें। वैज्ञानिक किरचॉफ ने ओम के नियम का अध्ययन किया और पाया कि ओम के नियम सभी प्रकार के विद्युतीय परिपथ के लिए उपयुक्त नहीं है। इसलिए वैज्ञानिक किरचॉफ ने दो भिन्न भिन्न नियम दिए जिन्हें किरचॉफ का नियम कहा जाता है, इसको नोट कर लें। अब जो है सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि ओम का नियम, अगर हम एक होता है साधारण परिपथ जिसमें एक प्रतिरोध लगा हो, एक बैटरी लगा हो और उसमें करंट फ्लो हो, तब तो हम ओम का नियम धारा बराबर विभवांतर बटे प्रतिरोध का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन परिपथ अगर जटिल हो जाए, एक जगह से बहुत ज़्यादा एक पॉइंट से बहुत सारा करंट फैला हुआ हो, जैसे आप देखते होंगे कि एक सर्किट जो देखते हैं, सर्किट का मैं बात कर रहा हूँ, मदरबोर्ड का बात कर रहा हूँ, जिसमें बहुत सारे डिवाइस, छोटे छोटे डिवाइस लगे होते हैं, उसमें एक बिंदु से कभी इस बिंदु की तरफ बहुत सारा करंट एक पॉइंट पर मिल रहा है और इसी पॉइंट से कहीं दूसरे जगह पर जाकर के करंट फिर यहाँ मिल रहा है, फिर तीसरे जगह से। आप अगर उस मदरबोर्ड को देखेंगे तो इस तरह से नेटवर्क फैला हुआ है, जाल फैला हुआ है करंट का। तो आप उस समय ओम के नियम से इसमें किस में कितना धारा प्रवाहित होता है आप इसके बारे में, इस सर्किट के बारे में आप नहीं बता सकते हैं। ओम का नियम ये हमारे लिए इस जगह पर इस सर्किट के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, मान्य नहीं होगा। हम ओम के नियम की सहायता से कॉम्प्लिकेटेड सर्किट के लिए हम लागू नहीं कर सकते हैं और उसमें हम ना तो करंट का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ना तो उसमें प्रतिरोध का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं कि किसको कितना प्रतिरोध है, रेसिस्टेंस है, ना तो हम उसके वैल्यू को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए ओम्स का लॉ जो है, ओम्स के लॉ का ये डेवलप रूप एक प्रकार से कह सकते हैं कि ओम्स के नियम का ये एक प्रकार का विस्तृत रूप है, एक विराट रूप है, और विराट रूप जो हो गया ये अब बदल गया ये किरचॉफ के नियम में। तो किरचॉफ का नियम ओम का नियम का ही एक विस्तृत रूप है, एक विराट रूप है। तो अभी तक जो आप लोगों को न्यूमेरिकल सब भी बता रहे थे तो साधारण सब परिपथ के लिए बता रहे थे और छोटे छोटे कर करके हम निकाल रहे थे, लेकिन यहाँ पर अब जो ये सर्किट जो बनेगा और किरचॉफ का जो नियम सीखेंगे, इसमें हम लोग विराट रूप इसी का जानेंगे। तो चलिए इसको आप नोट कर लीजिए और इसके बाद हम लोग किरचॉफ का
हम दोनों नियम सीखेंगे। आज यहाँ पर हम फर्स्ट लॉ के बारे में स्टडी करेंगे, तो किरकहॉफ का पहला नियम यहाँ पर सीखेंगे। तो सबसे पहले हम किरकहॉफ का नियम क्या था, ये ओम के नियम का ही एक प्रकार का विराट रूप है। ओम के नियम का ही विराट रूप हमारा किरकहॉफ का नियम है। तो चलिए अब हम लोग किरकहॉफ के नियम को हम जानते हैं और फर्स्ट लॉ को हम लोग सीखते हैं। किरकहॉफ का नियम, किरकहॉफ लॉन्च हो गया यहां पे। देयर आर टू लॉज ऑफ किरकहॉफ। किरकहॉफ के दो नियम हैं, किरकहॉफ के दो नियम हैं। तो सबसे पहला लॉ जो हम लोग सीखेंगे, फर्स्ट लॉ पॉइंट रूल इसको भी बोलते हैं, पॉइंट रूल। फर्स्ट लॉ का नाम होता है बिंदु नियम, प्रथम नियम जिसको हम लोग बोलेंगे प्रथम नियम। और प्रथम नियम जो होता है ये हमारा कौन सा नियम है, तो बिंदु नियम। याद रखिएगा, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि प्रथम नियम को किसके नियम से जाना जाता है, तो प्रथम नियम को, फर्स्ट लॉ को पॉइंट रूल के नाम से जाना जाता है। तो प्रथम नियम को हम बिंदु नियम के नाम से भी जानते हैं, पॉइंट रूल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो अब देखिए कि प्रथम नियम होता क्या चीज है। तो ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट लॉ पर इसका डेफिनेशन लिखिए, द एल्जेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट मीटिंग अ पॉइंट इज इक्वल टू जीरो। ये फर्स्ट लॉ हो गया, द अल्जेब्रिक सम ऑफ करेंट, इलेक्ट्रिक करेंट मीटिंग अ पॉइंट इज इक्वल टू जीरो। फर्स्ट लॉ को ध्यान से देखिए, द अल्जेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट मीटिंग अ पॉइंट इज इक्वल टू जीरो। इसको नोट कर लीजिए इंग्लिश मीडियम में, अब हिंदी मीडियम में इसको, हिंदी में आप लिख सकते हैं इसको, एक बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योगफल शून्य के बराबर होता है। शून्य के बराबर होता है, यही फर्स्ट लॉ है। एक बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योगफल शून्य के बराबर होता है। अर्थात एक बिंदु पर अगर कहीं से करंट अगर आ रहा, अभी आपको हम मदरबोर्ड का भी फिगर दिखा रहे थे, तो उसमें क्या था कि सभी बिंदु पर जो एक बिंदु पर मिलेगा तो धाराओं का बीजगणितीय योगफल, सबों का योगफल शून्य के बराबर होता है। चलिए इसको हम एक फिगर के माध्यम से समझेंगे। तो सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, इसका एक और बात है इस जगह पर, तो चलिए इसको पहले नोट कर लीजिए, इसको हम हटा रहे हैं। ध्यान दीजिए एक बात को,
अगर पॉइंट के तरफ एक बिंदु की बात हो रही है, पॉइंट के तरफ अगर ये करंट आ रहा है, ये करंट भी आ रहा है, ये करंट भी आ रहा है, तो एक बात को ध्यान रखना है। और इसके बाद ये पॉइंट से ये बाहर जा रहा है, ये एरो बता रहा है आपको कि कौन पॉइंट के तरफ आ रहा है, कौन पॉइंट के बाहर की तरफ जा रहा है। ये मान लेते हैं कि ये आई वन करेंट है, ये आई टू करेंट है, ये आई थ्री है, और ये आई फोर, और ये लास्ट में आपका आई फाइव करेंट हो गया। तो किरचॉफ का प्रथम नियम ये कहता है कि एक बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योगफल शून्य के बराबर होता है। और एक बात का और ध्यान देना है, आने वाली धारा जो होता है, आने वाली धारा जो बिंदु की तरफ आ रही है, आने वाली धारा इनकमिंग करेंट ये हमेशा पॉजिटिव होता है। ये इनकमिंग करेंट जो है ये हमारा पॉजिटिव होता है। जो बिंदु की तरफ धारा आएगा, किसी बिंदु की तरफ आने वाली धारा, देख लीजिए इस पॉइंट को गौर से सुनिए, आने वाली धारा आपका पॉजिटिव होगा, और बिंदु से जाने वाली धारा अगर पॉइंट से अगर बाहर जाएगा तो वो करेंट निगेटिव होता है। और ये आने वाली धारा हो गया, और एक हो गया आपका जाने वाली धारा। बिंदु के तरफ ये आने वाली धारा था, और ये जाने वाली धारा है, आउट गोइंग करेंट। ये हमेशा निगेटिव होता है, ये आपका निगेटिव हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ये रूल में इसको सम्मिलित कर लीजिए कि आने वाली धारा पॉजिटिव होगा और जाने वाली धारा आपका निगेटिव होगा। तो अभी तो हम किसी को कुछ नहीं जानते, सबसे पहली बात कि यहाँ पर आप एक चीज का गौर कीजिए, पहले तो आई वन करेंट, फिर यहाँ पर हो गया आई टू करेंट, देखिए ये भी बिंदु की तरफ आ रहा है, ये हो गया आई टू करेंट, फिर ये भी बिंदु की तरफ आ रहा है, ये हो गया आई थ्री करेंट, प्लस देखिए आई फोर लिख रहे हैं, लेकिन ये क्या कर रहा है, पॉइंट से बाहर जा रहा है। यहाँ पर साइन प्लस का ही दिए, लेकिन यहाँ पर ये जाने वाली धारा है, इसलिए यहाँ पर माइनस करेंगे। ये जाने वाला पॉइंट से बाहर जाने वाला करेंट था, इसलिए इसको निगेटिव करेंगे, तो माइनस आई फोर हो गया, अब प्लस, और ये आपका क्या हो गया, माइनस आई फाइव इक्वल टू जीरो। हम अपने रूल को नहीं तोड़े, ध्यान रखिएगा रूल मेरा नहीं टूट रहा है, क्योंकि एक बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योगफल प्लस 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 बीजगणितीय योगफल अलजेब्रिक सम इक्वल टू जीरो, ये तो मेरा जीरो हो गया, लेकिन शर्त ये है कि इनकमिंग करेंट पॉजिटिव होगा एंड आउटगोइंग करेंट जाने वाली धारा आपका निगेटिव होगा, इसलिए यहाँ पर माइनस में जो ये आपका आई फोर करेंट है ये पॉइंट से आउट हो रहा है इसलिए निगेटिव, आई फाइव आपका पॉइंट से आउट हो रहा है इसलिए निगेटिव, बट आपका पॉइंट के तरफ आने वाला आई वन आई टू और आई थ्री है इसमें आपका निगेटिव साइन नहीं लगेगा। इसलिए ये साइन रूल को भी यहाँ पर ध्यान से समझिए इस बात को। ओके, अब आगे देखते हैं, आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री, इसको तो कुछ नहीं करना, लेकिन रूल के मुताबिक प्लस माइनस तो आपका माइनस हो गया, और ये प्लस माइनस आपका माइनस हो गया, इक्वल टू आपका जीरो हो गया। तो अब बताइए आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस वाला जब बराबर के उस साइड जाएगा तो ये आपका प्लस बन जाएगा, माइनस वाला अगर बराबर के उधर जाएगा तो आपका प्लस बन जाएगा, तो ये बन गया आपका आई फोर और ये बन गया आपका आई फाइव। अब बताइए ये कौन सा करेंट है, तो आने वाली धारा इक्वल टू जाने वाली धारा, यानी आने वाली जितना धारा होता है वही जाने वाली धारा के बराबर होता है। इसका मतलब इनकमिंग करेंट
इक्वल टू आउट गोइंग करेंट, आउट गोइंग करेंट। चलिए तो इनकमिंग करेंट इक्वल टू आपका हो जाता है आउट गोइंग करेंट। तो ये आपका फर्स्ट रूल था। फर्स्ट रूल में इतनी सारी बात को आपको रूल को पहले समझना है। तो इस रूल को हम लोग भली भांति चेक कर लिए, देख लिए कि किस तरह से आता है करंट और किस तरह से जाता है, आने वाली धारा कैसा होता है, जाने वाली धारा कैसा होता है। इस तरह से हम लोग यहाँ पर सारी बात को अब देख लिए। अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। चलिए एग्जाम्पल पर आप जरा सा ध्यान दे दीजिए। तो ये आपका एक सवाल हम दिए हैं और इसमें यहाँ पर आपको करेंट का वैल्यू फाइंड करना है। अब ध्यान दीजिए, 2 एम्पियर की धारा इधर से भी 2 एम्पियर की धारा इस बिंदु पर आ रहा है। तो आपको हमने क्या पढ़ाया, बिंदु की तरफ आने वाली धारा धनात्मक और जितना आता है उतना ही जाता है। अगर मान लेते 2 एम्पियर की धारा यहाँ आया, इधर से भी 2 एम्पियर की धारा आया, तो इधर अब कितना जाएगा। तो आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, जाने का रास्ता तो यही है, तो इसका वैल्यू हो गया आपका 4 एम्पियर। अब देखिए इस बिंदु पर कितना करंट आ रहा है, 4 एम्पियर इस पॉइंट पर मिला आया, लेकिन इधर से आपका 1 एम्पियर चला गया, इधर कितना बचा, अब इधर 3 एम्पियर आ रहा है। देख लीजिए बिंदु को एकदम ध्यान से समझिएगा, पहले 2 और 2 इधर जो प्रवाहित हुआ ये कितना प्रवाहित हुआ, 4 में ये सवाल में दिया था 1 एम्पियर, तो इधर 1 एम्पियर चला गया, इधर कितना आया 3 एम्पियर करेंट, और 3 एम्पियर इस पॉइंट पर आ रहा था 3 एम्पियर, और इधर देखिए ये वाला करेंट 1.3 बाहर जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर ये हो गया 3 एम्पियर आने वाला धारा है और -1.3 और -I, क्योंकि I भी तो आपका जाने वाला है, तो ये -I इक्वल टू आपका 0 हो गया। तो इस तरह से आप देखिए यहाँ पर 1.3 और यहाँ पर हो गया 3, तो आप यहाँ पर 3 में 1.3 लेस कीजिएगा, तो 10 में 7 3 बचा और 2 में घटेगा, तो ये तो आपका कितना हो गया 1.7 और -I इक्वल टू 0। तो इस तरह से आपका आई का वैल्यू हो जाएगा 1.7 एम्पियर। आई का वैल्यू आपका कितना निकल जाएगा 1.7 एम्पियर। तो आज आप इसको यहाँ तक सीखेंगे, आई का वैल्यू आपका निकल गया 1.7 एम्पियर, और इस तरह से ये आपका आंसर हो जाता है। तो आपको आज हम किरचॉफ का फर्स्ट रूल बताए और उस पर आधारित एक सवाल बताए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भी और सारा सवाल को जानते हुए किरचॉफ का हम सेकेंड लॉ को सीखेंगे। तो चलिए आज हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। थैंक यू।